वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसका मैं रिव्यू अपनी इस वीडियो में करने वाली हूँ, वो है मेरे पास लिवोन हेयर सीरम। तो लिवोन हेयर सीरम एक मेरा वीडियो मैंने एक और बनाया था जो था लिवोन हेयर सीरम शेक एंड स्प्रे, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेक कर लेना। तो ये है नया, तो ये है पर्पल और वाइट कलर में। ये मैंने छोटी वाली शीशी ली है इसका रिव्यू करने के लिए। तो ये है फॉर ड्राई एंड अनरूली हेयर के लिए, फ्रीजी हेयर के लिए, तो मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ आज। तो ये जो नॉर्मली जो पैकिंग जो आती ही है लिवोन की, पर्पल ओ सॉरी पिंक और वाइट में, पर ये कुछ हटके है, ये वाइट और पिंक उसमें पर्पल में है। तो मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। अब सबसे पहले हम इसकी MRP पर आ जाते हैं। ये हमें 60 रुपीज़ में 20 ml मिल रहा है और इसकी मैनुफैक्चरिंग डेट है 3 ईयर्स, हाँ यानी 3 साल है। तो ये 3 साल हमारा रहेगा। और हम इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट, इसमें बहुत ही क्यूट सा स्लिम ट्रिम सा छोटा सा निकलता है। तो ये इस बॉक्स के अंदर मुझको ये मिला है छोटी सी। तो ये 3 साइज़ आते हैं इसके बोतल के, तो मैंने ये सबसे छोटा वाला साइज़ लिया है। तो आप अगर आपको टेस्ट ट्यूब यानी कि अगर टेस्ट के लिए लेना है, तो सबसे पहले अगर हम आप पहली बार ट्राई करें तो आप इसको ही परचेज़ करो। पहले ये देख लो कि आपको सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आपके बालों पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही है या नहीं। तो आपको इसलिए छोटी वाली शीशी लेनी नहीं है, 60 रुपये की आएगी, इसमें 20 ml हमको मिल रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात है ये फ्रीजी हेयर की बात, मैंने इसको ट्राई किया हुआ है पहले, तो मैं आपको बता देती हूँ। 24 घंटे के बारे में बोलते हैं, देखिए ये 24 घंटे वर्क करेगा हमारे हेयर में, पर लेकिन ये 24 घंटे से ज़्यादा रहता है। अगर आप एक दो दिन अपने बालों को इसको सीरम को हेयर में लगाने के बाद एक दो दिन तक अपने हेयर को रखते हो, उसके बाद वॉश करते हो, तो आपके हेयर में तब भी इसकी खुशबू, इसकी स्मूथनेस आपके हेयर में रहेगी। आप देख सकते हो मैंने अपने हेयर पर अप्लाई किया हुआ है, मेरे हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने ना ही कोई प्रेसिंग ना ही कुछ यूज़ किया हुआ है, सिर्फ नेचुरली हेयर वॉश करके शैम्पू से और उस पर कंडीशनर अप्लाई करके, फिर मैंने उसको वॉश करने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया था, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसकी हम जो ये ट्रैवल फ्रेंडली है नहीं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत ही अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही छोटू सा है जो हमारे पर्स में बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत ही छोटी सी है। और इसकी जो ये ट्रांसपेरेंट है जो हमें पता चल जाता है कि हमने प्रोडक्ट कितना यूज़ किया है कितना नहीं। और ये बहुत ही अच्छे से प्रेस मैं कर रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, इसमें से कहीं से कुछ प्रोडक्ट नहीं बाहर आ रहा है। और जो इसका ये कैप है ये टिकटॉक वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। तो ये बहुत ही अच्छा, मुझे एक क्या बोलते हैं इसको, छोटा पैकेट बड़ा धमाका लगा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें अगर आपके हेयर ज़्यादा उलझे हुए या ज़्यादा फ्रिजी बोलते हैं ना, ज़्यादा अनरूली रहते हैं, यानी कि अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको 15 से 20 दिन लगातार अपने हेयर पे अपने हैंड पे लेना है आपको, और अच्छे से इस तरीके से अप्लाई करना है, ऐसे करके आपको अप्लाई करना है, दबा के अपने हाथों को प्रेस करके अच्छे से हेयर पे अच्छे से प्रेस करके नीचे करना है आपको। ये 15 से 20 दिन लगातार आपको ये रूल फॉलो करना है, आपके हेयर आपको खुद को महसूस होगा वो काफ़ी स्ट्रेट हो चुके हैं। अगर आपके ड्राई हेयर है तो भी आपको यही फॉलो करना है, पर लेकिन फॉलो आपको ये करना है कि अगर आपके ड्राई हेयर है तो आपको लगातार 10 से 12 यानी कि 15 से 20 दिन तो आपको लगातार अपने हेयर इस ये अप्लाई करना है अपने हेयर पे, तो वो अच्छे से आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, आपको खुद को महसूस होगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा ये। तो इसको लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है कि लड़कियां ही यूज़ कर सकते हैं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रैवल फ्रेंडली है और ये वर्क करता है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अब हाँ, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, 24 घंटे बोलता है पर लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा का काम करता है। तो इसको एक बार ही आपको ज़रूर परचेस कर लेना चाहिए मेरे कहने से। तो अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कोई भी कमेंट है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।